आप सोचेंगे ये क्या है ड्रामा। तो ये है चिकन थाई, सबसे पहले बता दूं। और ये छलनी में क्यों रखा है, क्योंकि मैंने इसको अच्छी तरीके से धो के रात शाम को छलनी में रख दिया था ताकि सारा पानी निचुड़ जाए। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इसको काटने वाला हूं टिक्के की शक्ल में। तो आप भी ऐसा ही करें। और इसका मैं बनाने क्या वाला हूं, तो मैं बनाने वाला हूं चिकन टिक्का। काटना कैसे आपको दिखा देता हूं, ऐसे ही काटें। काटने का तरीका क्या है, पहले तो आपने ऐसे धो लेना है और छलनी में रखना है ताकि पानी निचुड़ जाए। उसके बाद ये देखिए, सबसे पहले चर्बी काट देना है, आपने इसको निकाल देना है, ढूंढ ढूंढ के भी आप निकाल सकते हैं। फिर ये देखिए ऐसे एक दो, मतलब एक थाई में आसानी से तीन टिक्के निकलते हैं। सबसे आसान ये है कटिंग। और अगर आपकी थाई बड़ी है, कई बार क्या होता है थाई ऐसी भी होती है, ये देखिए कितनी बड़ी है, क्योंकि यहाँ फिक्स कुछ भी नहीं है। देखिए तो ऐसे आपने निकाला, उसके बाद ये देखिए ये चीज़ें भी आपने निकाल देना, नहीं तो ये क्या है टिक्के में बहुत ही अजीब सी लगती है। ये देखिए एक दो, इसमें से आपने चार निकालने और ये संभाल के रख लेना है। मैंने आपको बताया था सीख कबाब के लिए, ये देखिए इसमें निकले चार। तो ये होता है तरीका थाई काटने का। तो अब मैं क्या करूँगा, इसी तरीके से सारा चिकन काट लूँगा, उसके बाद आपको बताऊँगा कि आपने मेरीनेट कैसे करना है और मैं कितने किलो चिकन का चिकन टिक्का बनाने वाला हूँ। ये मैं बनाने वाला हूँ बैंक्वेट पार्टी के लिए, इसके लिए मैंने इतना निकाल के रखा है। तो मिलते हैं काटने के बाद। अब मैंने सभी चिकन काट लिया है और इसमें वेस्टेज कितना निकला वो आपको दिखाता हूँ। इतनी चर्बी निकली है यानी कि फैट, और ये जो छोटे छोटे पीस होते ना लेग के इधर उधर, वो इतना ये निकला। ये देखिए, तो ये उन रेस्टोरेंट के मालिक के लिए है जो बोलते हैं ना कि 10 किलो चिकन आया था और बेचा हमने इतना है। तो शेफ लोग उनको बताएं कि ये वेस्टेज भी निकलता है, देख रहे ना। तो ये भी आपने नॉलेज रखना है कि कितना निकलता है। भले हम इसको यूज कर लेंगे लेकिन फिर भी आपने बताना है कि टिक्के में पूरा यूज नहीं होता है। चिकन काटने के बाद आपने क्या करना है, एक ऐसा बड़ा सा बर्तन लेना है और इसके अंदर ये देखिए सभी चिकन डाल देना है। अब आप बोलेंगे शेफ ये चिकन कितना लिया आपने, तो ये मैंने लिया था 40 पाउंड, तो इसका वजन हो गया लगभग 18 किलो। 18 किलो में से आपने देखा ना कितना निकल गया, वो सब आपने नहीं गिनना है। तो अब क्या करना है, इसको फर्स्ट मेरीनेट करना है, जिसको बोलते हैं ना पहला मेरीनेट। तो उसके लिए सबसे पहले आपने डालना है, देखिए नमक 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून ये काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, और ये देखिए ये है देगी मिर्च, या फिर आप कश्मीरी लाल मिर्च का यूज कर सकते हैं कलर के लिए। कम से कम 3 टेबल स्पून डालना है। इतनी चीजें डालने के बाद आपने इसमें डालना है ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, कम से कम 5 टेबल स्पून। उसके बाद एक चीज और डालना है, ये लेमन जूस 1/2 कप, देख रहे ना। लेमन जूस डालने के बाद क्या करना है, आपने इसको ऐसे बढ़िया से मिक्स करना है। देखिए ये हो गया फर्स्ट मेरीनेट, ये करना जरूरी है। आप इसमें पुदीना भी डाल सकते हैं, थोड़ा इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन इतनी चीजें डालेंगे तो काफी है, क्योंकि मैं ये बैंक्वेट के लिए बना रहा हूँ ना, तो मेरे पास काम बहुत है। तो मैं पहले इतनी चीजें ऐसे डाल के मिला दूंगा और इसको डालूंगा सीधा फ्रिज के अंदर, उसके बाद मैं बनाऊंगा इसका मसाला। तो ये फर्स्ट मेरीनेट करना बहुत ही जरूरी है। ये देखिए इससे क्या होता है, आपका चिकन एकदम जूसी हो जाता है और मसाले अंदर तक चले जाते हैं। तो इसको रख देंगे साइड में। अब क्या करना है, हमने इसका मसाला बनाना है दही वाला, कैसे दिखाता हूं। आपने क्या करना है, एक ऐसा पैन चढ़ाना है, पैन के अंदर आपने डालना है सरसों का तेल, कम से कम 1 कप डालें, क्योंकि पहले भी हमने तेल नहीं डाला है इसके लिए। 1 कप तेल डालने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छे से गरम कर लेना है। जब आपका तेल गरम हो जाएगा तब आपने गैस बंद कर देना है और इसके गुनगुने होने का इंतजार करना है।
जब गुनगुना हो जाएगा, गुनगुना आप समझ गए ना कि मतलब ठंडा, उसके बाद आपने क्या करना है, इसमें ये डालना है बेसन। वैसे आपने देखा होगा मुझे बहुत बार चिकन टिक्का तंदूरी चिकन बनाते, मैंने कभी बेसन नहीं डाला है, और आज मैं क्यों डाल रहा हूँ ये भी आपको बताऊंगा। आपने 6 टेबल स्पून डालने भर के, 6 टेबल स्पून डालने के बाद ये देखिए ऐसे चलाया, मतलब हल्का सा ये भुन भी जाए ताकि बेसन की खुशबू ना आए। इसके लिए आपने गुनगुने तेल में डालना है और जले भी ना, ये देखिए ऐसे। अब आपने क्या करना है, गैस बंद कर देना है और एक ऐसा बड़ा सा बॉल लेना है, उसके अंदर आपने डाल देना है ये बेसन और तेल। अब आपने क्या करना है, इसमें आपने डालना है 1, 2, 3, 4, 5 5 टेबल स्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च या फिर देगी मिर्च, फिर ऐसे मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, कलर आएगा बहुत ही बढ़िया। और आपने डालना कैसे, हल्के गरम में, देख रहे ना। उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट अब मिलाना है। ये देखिए बहुत बेहतरीन कलर आ गया। इससे क्या होगा, आपको कलर डालने की जरूरत नहीं है। और मैंने आज बेसन क्यों डाला, अब मैं आपको ये बताने वाला हूं ये मिक्स करने के बाद। तो दिखाना है यहाँ का दही कैसा होता है, छानने की जरूरत भी नहीं है। छानना मतलब आप समझे ना, कपड़े में लटकाने की, जैसे मैं बोलता हूँ आपने टंगा हुआ दही लेना है, लटका हुआ लेना है, हैंकर लेना है, ये देखिए कितना टाइट है। तो आपको लटकाने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा बेसन डालने, जैसे कि मैंने डाला है, इसके लिए मैंने डाला है बेसन, ये दही के लिए। तो आपने क्या करना है, ऐसे दही को उठाना है और डाल देना है इसके अंदर। तो दही आपने डालना कितना है, कम से कम बता रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा नहीं, आप 2 किलो दही लें, ये देखिए जैसे कि मैंने लिया है। तो दही डालने के बाद आपने क्या करना है, तो आपने इसमें डालना है लेमन जूस 1/2 कप, काला नमक 1 टेबल स्पून, नमक 2 टेबल स्पून, किचन किंग मसाला कम से कम 6 टेबल स्पून, जैसे कि मैंने डाला भर के, देख रहे ना आप, 1 टेबल स्पून ये गरम मसाला। और आज मैं ये भी डालूंगा, ये है धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून। वैसे मैं डालता नहीं, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आज आपके लिए डाल रहा हूँ। और ये पुदीने का पाउडर 1 टेबल स्पून, इसकी रेसिपी बताना बाकी है, इसको कैसे सुखाएं तो बताऊंगा जल्दी ही। और आपने डालना है ये 2 टेबल स्पून इलायची पाउडर और ये 3 टेबल स्पून कसूरी मेथी, ऐसे भर के। अब क्या बचा, एक आइटम बच गया मेरा फेवरेट, ये डालना है आपने जीरा पाउडर 4 टेबल स्पून। और एक चीज और डाल देते हैं, ये है लाल मिर्च, ये डालना है आपने 2 टेबल स्पून, इससे तीखा होता है, इससे कलर आता है। ये सारी चीजें डालने के बाद आपने ऐसे मिक्स करना है, बस बन गया आपका चिकन टिक्का। और सबसे अलग बनेगा, क्यों, क्योंकि आपने इसमें डाला ना पुदीना पाउडर इसके लिए, ये देखिए मजेदार बेहतरीन। ये है अमेरिका कनाडा स्टाइल रेसिपी, लाजवाब, कलर डालने की जरूरत नहीं है। ये देखिए ऐसे मिक्स किया, ऐसे मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसको टेस्ट करना है कैसे, ऐसे ये देखिए यहां लगाया आपने, एकदम चटाका होना चाहिए, मतलब मस्त, सब कुछ ज्यादा हल्का हल्का सा, क्यों, जब इसमें चिकन जाएगा तो सब कुछ कम हो जाएगा, एकदम ऐसे चटाका होना चाहिए। जब चटाका हो जाए उसके बाद क्या करना है आपने, ये जो चिकन हमने मेरीनेट करके रखा था इसको ऐसे उठाना है और इसके अंदर डाल देना है, देखिए वाह 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 वाह, ये चिकन हो गया तैयार पार्टी के लिए। अब आप पूछेंगे शेफ ये कितने लोगों के लिए है, तो हम क्या करते हैं, इतना चिकन 200-300 लोगों के लिए बनाते हैं, क्यों, हमारे यहाँ मेनू में बहुत ज़्यादा आइटम होते हैं, तो आप अपने आइटम के हिसाब से डिसाइड करें, ऐसे डिसाइड ना करें। तो मैं ये कभी नहीं बताऊंगा कि ये कितने लोगों के लिए, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। ऐसे मिक्स किया, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन। और इसमें कभी भी आपने हरा धनिया नहीं डालना है, क्यों, क्योंकि ये तो हम बाद में यूज करने वाले ना, तो ऐसे अच्छे से मिक्स कर दें।
और इसको आपने रख देना है फ्रिज के अंदर। तो पार्टी कल है तो मैं ये कल यूज करने वाला हूँ। कल तक क्या होगा, इसके अंदर तक मसाला घुस जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो, मेरा काम पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इस बता दे रहा हूँ, इसको आपने 12 मिनट सेंकना है, 8 मिनट पहले और 4 मिनट बाद में। थैंक यू सो मच।